आखिरी छह गेंदे लीग स्टेजेस की कोलकाता नाइट राइडर्स की कितनी यादगार बना पाएंगे। मार्कस स्वानिस के हाथ में गेंद, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक डीप पॉइंट का खिलाड़ी। बड़ा हिस्सा जरूर है ऑन साइड का। पहली कुछ गेंदे, पहली बॉल, फुल बॉल, ओवर कवर्स, लॉन्ग ऑफ से दूर, चार रन, 17 चाहिए पांच गेंदों पे। कोलकाता नाइट राइडर्स आज की नाइट ये लड़े हैं, ये फाइट करी है। पहली गेंद की अहमियत, बहुत बढ़िया शॉट, नीचे आना पड़ा बॉल के और खेल दिया कवर के ऊपर से, चार रन के लिए बेहतरीन शॉट। बॉल के नीचे गए थे। मुकाबला अभी भी मजेदार, 5 बॉल 17 रन। रिंकू 11 बॉल में 26 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की है। और नरेन 7 गेंद में 21, 3 छक्के लगा चुके हैं। प्रेशर है बॉलर के ऊपर। फील्ड में यहां बदलाव किया है, ऑफ साइड पे अपने आप को थोड़ी और प्रोटेक्शन दी है। वो कवर्स में रिंकू सिंह ने दिखाया कि सिर्फ ऑन साइड पे नहीं, ऑफ साइड पे खेल सकते हैं। कूल कस्टमर, पूरा संयम भरत के वो पहली गेंद पे चौका लगाया। मार्क स्टोइनिस दूसरी गेंद, छोटी गेंद, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, गोइंग गोइंग गॉन, 2 गेंदें 10 रन कोलकाता नाइट राइडर्स, 4 गेंदों में चाहिए 11। जी हाँ बिल्कुल, ये मजेदार पल इस मैच में। पहली बॉल पे चौका, दूसरी पे पटका था, बहुत ही बेहतरीन लगाया छक्का मिड विकेट के ऊपर। वाह रिंकू सिंह, मजेदार, जानदार, शानदार 6 रन। देखिए आंद्रे रसल आउट हुए तो क्या, थ्रिलर टाइम बरकरार टाटा आईपीएल में। 18 गेंदों में 50 रनों की है साझेदारी। लखनऊ सुपर जायंट्स वही महसूस करते हुए जो किया था केकेआर के गेंदबाजों ने। 2 मुकाबले हार के आए हैं, केकेआर 2 जीत के आई है, आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला। ये सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद तैर रही है, रिंकू सिंह अपने बल्ले से हस्ताक्षर कर रहे हैं इस यादगार मुकाबले में। कोलकाता नाइट राइडर्स ने तलाशा एक नया हीरो। क्या बात है रिंकू सिंह, मजेदार, वाह क्या बल्लेबाजी करी है। शायद ही किसी ने सोचा होगा कि रसल के आउट होने के बाद ऐसा हशर हो सकता है। ये देखिए बाहर थी बॉल और क्या बढ़िया टाइमिंग, सीधा खेला 6 रन के लिए। पीयूष चावला इनकी बहुत तारीफ करते थे कि 100 रन बनाया था इन्होंने अपने डेब्यू गेम में ही रणजी ट्रॉफी के, और कहते ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। वाह ये हम देख रहे हैं आज एक ऐसा प्लेयर जिसका शायद इस मैच से पहले बहुत बड़ा कोई नाम नहीं था, पर आज के बाद जतिन इस प्लेयर का नाम अलग सूची में होगा। इस सीजन के बाद रिंकू सिंह पिछले कुछ सीजन से इस टीम के चहीते थे, लेकिन उतना विश्वास नहीं कि इनकी टीम में जगह बने। इस बार जगह बनी है और ये उस पे अमल है। अपने भारतीय खिलाड़ियों पे विश्वास जताइए तो सही। 5 रन 3 गेंदे, मुकाबला ये हाथ से फिसला है। 13 गेंदों पे 38, नारायण के 7 गेंदों पे 21, 1 हिट दूर है कोलकाता नाइट राइडर्स। मिड विकेट के ऊपर से खेलने की कोशिश, पीछे वहां फील्डर रिंकू सिंह दूसरे रन के लिए वापस, बहुत तेज है, बहुत तेज है, वापस स्ट्राइक पे। बेहतर गेंद ये मार्कस स्टोइनिस से, 2 गेंदों पे अब चाहिए 3 रन, 2 रन बने तो सुपर ओवर, ऑल पॉसिबिलिटीज अलाइव। ये क्वालिफिकेशन में आपकी जगह तय तो नहीं करेगी, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स ये सीजन इस मुकाबले को यादगार बना चुके हैं। इस सीजन के आखिरी कुछ मुकाबले, पिछला सीजन सेकेंड हाफ, कोलकाता नाइट राइडर्स का फेरी टेल कमबैक, फाइनल में हारे थे, रनर्स अप थे, और आज की शाम 206 इसके पहले सर्वश्रेष्ठ स्कोर था जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने सफल एक रन चेज में अपने नाम किया था। एक नया इतिहास रचने के लिए बैट से हाथ छूट गया था, लेकिन रन को कंप्लीट किया। अवेयरनेस, रिंकू सिंह अगेंस्ट ऑल ऑड्स, 3 रन,
210 बना के लखनऊ सुपर जायंट्स हाफ पे मार्क पे शुरुआत में तीसरे ओवर में 9-2 का स्कोर। उसके बाद नीतीश राणा, उसके बाद श्रेयस अय्यर, सैम बिलिंग्स ने अपना साथ दिखाया, भूमिका निभाई, लेकिन रिंकू सिंह और सुनील नारायण मुकाबले हार के आए। प्रार्थनाओं का समय है, उम्मीदों का समय है, टाटा आईपीएल की ये माया है, नेवर ओवर टिल इट्स ओवर। फाइट बैक किंग्स कोलकाता के नाइट्स, एक भी विकेट नहीं गवाई थी लखनऊ सुपर जायंट्स ने, 140 बनाए क्विंटन डिकॉक ने, लेकिन क्या जीत में आएंगे या हार में आएंगे? 16 पॉइंट्स पे आप तीन मुकाबलों से बने हुए हैं प्लेऑफ्स में, कि अब भी इंतजार करना पड़ेगा। ऊपर है गेंद, पीछे से फील्डर कैच, वन हैंडेड, मैजिक मोमेंट्स की कमी नहीं। एविन लुइस, ना सिर्फ ये कैच है, ये डॉट बॉल है, ये मौका है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास एक बार फिर से इस मुकाबले को जीतने का। वेल प्लेड रिंकू सिंह, ये खत्म नहीं कर पाए, निराश होकर वापिस जाएंगे, लेकिन अपना सर फक्र से उठा के वापिस जाइए इस डगआउट में। वो क्या कैच पकड़ लिया है, ये शायद इस टूर्नामेंट का सबसे बढ़िया कैच होगा। देखिए, एक हाथ से पकड़ा ये कैच, बाहर डाली थी बॉल इस बार, और कितना ग्राउंड कवर किया, पीछे थे, ओ वाओ, दिस इज फैंटास्टिक, अनबिलीवेबल मोमेंट। इसीलिए कहते हैं क्रिकेट जब तक खत्म नहीं होता है मैच, तो खत्म नहीं हुआ है, ये जानते हैं दोनों ही टीमें। रिंकू ने पर दिल जीते हैं, 40 बनाए 15 बॉलों पे, 208 पे 7।